संगीत ही है जो शब्दों को सुरीला और मधुर बनाता है। सबके दिल को यह खूब भाता है और इसे सुनने के बाद मन अपनी ही दुनिया में खो जाता है। नमस्कार जोहार, मैं नीतिश्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उभरते कलाकार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक मंच है जो उन कलाकारों को आपसे रूबरू कराता है जो अभी तक आम थे, लेकिन हम उनके ख़ास बनने के सफ़र में उनकी मदद करते हैं और साथ साथ उनको आपसे मिलवाते रहते हैं। ऐसे कलाकारों को हम लेकर के आते हैं जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वो आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। और आज की इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं निशा तिग्गा जी से। ये गज़ल गाती हैं, क्लासिकल सॉन्ग्स गाती हैं, सेमी क्लासिकल्स गाती हैं, साथ ही साथ भजन भी गाती हैं। तो इनसे बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे इनके गानों को। तो चलिए निशा तिग्गा जी का स्वागत करते हैं और इनसे इनके गाने सुनते हैं। सबसे पहले निशा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। निशा जी, बात शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहली जो प्रस्तुति आप करने वाली है हमारे दर्शकों के लिए वो क्या है? जी, मैं अभी एक राग प्रस्तुत करूंगी, उसका छोटा ख्याल जी, वृंदावनी सारंग। हाँ ठीक है, एक बंदिश है छोटा ख्याल, वही मैं गाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके गाने से ही शुरुआत करते हैं हम हमारे शो की। जी, राग है वृंदावनी सारंग। इसका वादी स्वर है रे पा, वादी स्वर रे है, संवादी स्वर पा है। और इस राग को दोपहर में गाया जाता है और इसका जो जाति है वो अड़ो अड़ो है। बहुत ही खूबसूरत राग है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। घूंगर मोरा बाजी रे, सास न नद मोरी पाड़ पड़ोसी
खूबसूरती से आपने गाया है, ऐसे लग रहा है कि माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है। बहुत मतलब जब आप राग ले रही थी ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरती से आपने गाया। निशा जी, आप इतना अच्छा गाना गाती हैं, तो आपने कब स्टार्ट किया मतलब ये गाना सीखना? जी, मैं क्लास मतलब मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, मुझे बहुत शौक था कि मैं गाना गाऊं, और शौकीन भी थी काफ़ी। मेरे पापा के पास हमेशा रेडियो जो पहले हुआ करता था जी, वो हुआ करता, तो मैं बचपन से सुनती थी तो अच्छा लगता था। बट वैसा माहौल नहीं था जिनके जिसके कारण मैं जल्दी मतलब नहीं सीख पाई। और जब मैं इंटर में थी तो मुझे लगा कि अब उस टाइप का मेरा घर का माहौल हो चुका है तो मुझे सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने रांची आया और क्लास मैंने ढूंढा पहले, कि मैं एक अच्छे गुरु की तलाश थी मुझे। तो फिर मैंने आया, सर का नंबर मुझे मिला किन्हीं से, एक डांस टीचर थे उनसे, उनसे फिर बातें हुई, फिर सर से मुझे मुझसे बातें हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आइए। फिर मैंने क्लास ज्वाइन किया और मैं सोची नहीं थी कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिलेंगे। पहले मुझे था कि पता नहीं कैसे गुरु मिलेंगे, और ऐसे भी हर शिष्य को होता है एक अच्छे गुरु का मिलना, तो बहुत अच्छे मतलब मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छे मिलेंगे। हर तरफ से सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, जितना हो सकता है उनके साथ बहुत। और हमारे रवि सर जी हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, कोर्स वगैरह के बारे में हमें जानकारी देते हैं, मतलब हम लोग जितना पूछते हैं उससे कई ज़्यादा वो बताने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीख सकूँ। तो बहुत सपोर्टिव है इनके फैमिली जो हैं, एक बड़े पापा जी हैं वो भी बहुत कुछ बताते हैं हमें कि गज़ल्स के बारे में, वो तो हैं ही बहुत, तो बताते हैं कि किस बारीकियों को बताते हैं किस तरह से आपको गाना है या फिर आप कैसे उसको ध्यान से सुनेंगी, ये सारे कुछ सीखने को मिलता है। और इनके फैमिली तो है, इनका तो खुद एक घराना है, गया घराना, जी, तो सारे लोग म्यूजिक माइंडेड लोग हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं सारे लोग, बहुत अच्छे। तो कहीं ना कहीं आप जिस पाथ पे हैं, आपका जो अभी आप जो सक्सेसफुल होने के एक रास्ते में जो हैं, उसमें बहुत बड़ा जो सपोर्ट रहा है वो आपके गुरु का रहा है, उनके फैमिली का रहा है। जी, इनका है। और मेरे फैमिली में क्या है ना कि मतलब उनको मम्मी लोग को पता नहीं कि म्यूज़िक क्या होता है एक्चुअली, ऐसे तो सुनते सारे लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन एक होता है कि इसमें क्या होता है वो नहीं जानते हैं, वो उतना समझ नहीं है। तो फिर मैं उनको बताई कि ऐसा ऐसा होता है, फिर मम्मी लोग सपोर्टिव हैं, मतलब ये कहते हैं कि आप कुछ सारा काम आप छोड़ दो, आप अपना म्यूजिक पे ध्यान दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बाकी तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे सर हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपकी मेहनत के साथ कुछ कुछ आपका लक है कि आपको बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। बहुत अच्छे, बहुत, मैं कह ही रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने अच्छे गुरु मिलेंगे और इतने लोग मिलेंगे जो हर साइड से मुझे सपोर्ट करेंगे। वाह, ये तो, तो मैं अपने आप को लक मानती हूँ कि मिले हैं मुझे। बहुत खूब बात है ये तो। अभी आपने तो हमें क्लासिकल सुनाया, और हमने सुना है कि आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो जी भजन, हाँ जी, तो आप भजन सुनाइए अब हमें। जी, एक भजन है ब्रज की बिरही। ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगी से थारे, बिन गोपाल ठगी से थारे, अति दुर्बल तन हारे, ए अति दुर्बल तन हारे, ब्रज के बिरही लोग के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगी से ठाड़े, बिन गोपाल ठगी से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे, ए अति दुर्बल तन हारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिरही लोग बिचारे।
कहूँ मैं इसके बारे में। ऐसा आपने मतलब भजन सुनाया है कि भाव विभोर हो उठेंगे हमारे दर्शक जो बैठ करके सुन रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। निशा जी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है और आप इतनी यंग हैं, तो आजकल के जो जनरेशन के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा पॉप म्यूज़िक में जाएं या फिर कुछ बॉलीवुड या फिर कुछ लाइट सॉन्ग गाएं, उसमें आपका रुझान जो है वो भक्ति गीत और साथ ही साथ क्लासिकल सिंगिंग की तरफ फिर कैसे हुआ? जी, सबसे पहले तो संगीत जो होती है वो क्लासिकल म्यूज़िक से ही, मतलब वही बेस है, बेसिक है जी। कि क्लासिकल म्यूज़िक अगर हमें नहीं पता है तो फिर संगीत का वो कुछ पता ही नहीं रहेगा जी। कि संगीत का वो गहराई कहाँ तक है और क्या है, और वो अगर हम लोग ये क्लासिकल संगीत सीख जाते हैं तो वो हमारे लिए एक जीवन में वो बन के रह जाता है, मतलब कि लगता है कि हम लोग कुछ सीखे हैं इसके बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो हमारे म्यूज़िक का बेस है। इसीलिए आपने फिर भी आपका कुछ रहा होगा कि क्लासिकल है साथ में मुझे भजन गाना है, ये सब मतलब भजन जो है उसके तरफ जो रुझान है आजकल के जो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका इंटरेस्ट है इसमें, तो आपको किस तरीके से आया, कुछ मोटिवेशन रहा या फिर कोई कहानी है इसके पीछे? नहीं, जब मैं क्लास नहीं करती थी, जब मैंने गुरु को नहीं पाया था, तो उस वक्त मुझे भजन का कुछ आइडिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि भजन किस तरह के होते हैं, या फिर हाँ बचपन में मैं सुनती थी, कहीं बसता था मंदिर वगैरह में या फिर कुछ, तो ऐसे में तो कभी मन में ये नहीं आता था कि मुझे भी गाना चाहिए भजन। बट मैंने क्लास ज्वाइन किया तो सर, हमारे गुरु जी ने मुझे सिखाया कुछ
भजन वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा भजन में इतना भक्तिमय होता है, इतना अच्छा शांति मिलती है भजन गाने से, सुनने से। तो मेरा उसी से फिर मुझे सुनकर के इतना अच्छा लगा, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं भी गाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भजन में कोई भी खो जाएंगे, है, कोई जादू है। सही कहा आपने। अभी आपने हमें क्लासिकल सुनाया, हमें भजन सुनाया, अब आप हमें अगला क्या सुनाने वाली हैं? अगला मेरा एक नागपुरी है जो मैं बचपन से सुनती थी। वाह जी, जो नागपुरी लोकगीत है। तो अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, जल्दी जल्दी सुनाइए। जी आवारी सुनर पा ढिलवा झुका बेरी, आवारी सुनर पा ढिलवा झुका बेरी, सुना रूपा हीरा, आवारी सुनर पा ढिलवा झुका बेरी, आवारी सुनर पा ढिलवा झुका बेरी, सुना रूपा झुका बेरी, आवारी सुनर पा ढिलवा झुका बेरी।
इतना अच्छा गाती हैं और आप साथ में जो स्माइल करके और आप इंजॉय करके जो गाती हैं, तो जो देखने वाला है या जो सुनने वाला है वो बहुत इंजॉय करता है आपके साथ। और ये जो गाना आपने गाया है ना, ये ऐसा ऐसा सॉन्ग है कि बारिश हो रहा है इसे घर में बजा दिया या कार में बजा दिया, बहुत बहुत ही सूदिंग आपकी आवाज़ है और ये सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगा सुन करके। थैंक यू। निशा जी, आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से शिक्षा ली है, लेकिन सीखने में आपने कहा कि स्टार्टिंग में पता नहीं था सबको, तो कुछ ऐसा स्ट्रगल हुआ आपके लाइफ में, कोई स्ट्रगलिंग फेज आया जिसकी वजह से आप थोड़ी सी डिमोटिवेट हुई होंगी, कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ कभी? जी, मेरे मतलब मेरा जो फैमिली है वो बिल्कुल, मतलब वो माहौल उस लाइक था ही नहीं जो कि मैं कुछ करूं अपनी इच्छा से, या फिर तो कुछ माहौल अच्छा होने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैं घर वालों से मैंने कहा, फिर मैंने खुद क्लास ढूंढा, हमारे गुरुजी मिले। फिर जैसे मैं पहले क्लास जब ज्वाइन नहीं की थी ना, उस वक्त फ्रेंड्स लोग, मैं जब गाती थी संगीत स्कूल में थी तो उस वक्त होता था संगीत परीक्षा, तो उसमें मैं गाती थी तो अच्छे मार्क्स भी आते थे और सबको अच्छा लगता था, और फ्रेंड्स भी हैं वो लोग भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किए, सपोर्ट किए, मोटिवेट किए, बोले कि आप गा सकती हो, आप कर सकती हो, आप क्यों नहीं ट्राई करती हो, क्लास वगैरह ज्वाइन करो। फिर आपसे बातें करने का तो बहुत मुझे मन कर रहा है, साथ ही साथ लग रहा है कि मैं और जानूं आपके बारे में, लेकिन समय की थोड़ी कमी है तो हम आपसे जो अगला गाना जो है वो सुनना चाहते हैं ताकि हमारे दर्शक पूरे खुश हो जाएं आपका गाना सुन के। अगला आप क्या, अगली प्रस्तुति क्या होगी आपकी? जी, अगली है एक भजन ही है। वाह, तो वो है प्रभु जी मोरे। हाँ जी, हाँ जी, अवगुंचित सुनाइए जी। आपकी अपनी कंपोजिशन? अपनी कंपोजिशन जी। प्रभु जी मोरी अवगुने चितना धरो, प्रभु जी मोरी अवगुने चितना धरो, जी मोरी अवगुने चितना धरो, प्रभु जी मोरी अवगुने चितना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो चितना धरो, प्रभु जी मोरी अवगुने चितना धरो।
एक घर बधिक परियो एक लोहा पो जा मेरा खत एक घर बधिक परियो सो दुविधा पा रस नहीं देखत सो दुविधा पा रस नहीं देखत कंचन करत करो चितना धरो चितना धरो चितना धरो चितना धरो प्रभु जी मोरी अवगुने चितना धरो चितना धरो चितना धरो चितना धरो। वाह निशा जी, बेहतरीन प्रस्तुति। आज हमारे दर्शक भी पूरे खुश हो गए होंगे आपके गाने को सुन करके। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि किस तरीके से निशा जी ने प्रस्तुति की है। बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने हर एक गाने को गाया, साथ में उनके भजन ने मेरा दिल तो जीत लिया। मुझे लगता है आपका भी दिल जीत लिया होगा। अगर आपको उभरते कलाकारों से मिलना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल DD झारखंड को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उभरते कलाकार के बहुत सारे सेगमेंट्स हमने पोस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये उभरते कलाकार का कार्यक्रम पसंद है तो आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि हम अगली बार फिर से आएंगे एक नए कलाकार को आपसे मिलवाने के लिए। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।